फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट एक हेडिंग बनाएंगे, फंक्शन एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ लिखिए, संसद के कार्य एवं शक्तियाँ, ठीक है। संसद के कार्य एवं शक्तियों में देखिए, इसको अगर आप इस नज़रिए से देखेंगे तो कुछ शक्तियों को हम आपको पहले डिफाइन कर देते हैं, फिर पहले लिखिएगा लेजिस्लेटिव पावर या फंक्शन लिखिए, लेजिस्लेटिव फंक्शन, एक प्रकार से विधायी इसको बोलेंगे कार्य। दूसरा लिखिए पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन की शक्ति बोलते हैं इसको। दूसरा पावर इसका क्या है संसद का, संविधान को संशोधन कर सकता है। और तीसरा लिखिएगा फाइनेंशियल पावर, इसके पास वित्तीय पावर है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर लिखिएगा, प्रशासनिक शक्ति, इलेक्ट्रल पावर फंक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रल फंक्शन लिखिए, इसमें लिखिएगा निर्वाचन संबंधी कार्य, और एक लास्ट में लिखिएगा मिसलिनियस पावर्स, विविध शक्तियाँ, जिसकी चर्चा उसमें करेंगे। तो पहले हम पार्लियामेंट की पावर बता रहे हैं चला, ठीक है, फिर हम इसको एलोबरेट करेंगे। जैसे इस नज़र से देखिए, जैसे आप रुकिए जरा, जैसे आपने देखा संसद की शक्तियाँ है ना, तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा, इसको थोड़ा ठीक किया जाए, है ना, संसद की शक्तियाँ, तो इसको हम आगे चल करके एलोबरेट कर देंगे एक लोकसभा में और फिर एक राज्यसभा में। पहले हम क्या करेंगे, इसको मिलजुल के देख रहे हैं, संसद दोनों से मिलकर बना है ना भाई, इसी में देखें संसद की शक्ति में देखेंगे। संसद के कितने भाग हमने बताए थे पहले, तीन बताए थे, राष्ट्रपति वाला हटा देते हैं, वो तो बता ही चुके हैं। तो फिर पहले इसको समझ लेंगे, फिर लोकसभा का, फिर राज्यसभा का। कोई भी चीज़ को, कोई भी चीज़ ना, जैसे जब आप कोई चीज़ समझते हैं तो हमेशा एक के साथ एक दो का नियम लेके चला करिए। कोई आदमी बिग बाजार जाएगा ना तो एक सामान के लिए नहीं जाता है, कभी गौर करना, वो अगर वो बहुत दूर जाएगा बाजार के लिए तो एकाध सामान के लिए नहीं जाएगा। जैसे जीरा खरीदने के लिए आप पल्टन बाजार नहीं जाएंगे, है ना, सब्जी लेने आप जाएंगे तो केवल धनिया खरीदने के लिए, मतलब ऐसी कम संभावना है कि वो इतनी दूर केवल धनिया लेने गए हैं, हरी धनिया, वो जाएंगे तो टमाटर आलू कुछ और भी साथ में रखेंगे ही, उसके साथ उसको रखेंगे, तो लेकिन कोई काम का वैल्यू बहुत बड़ा हो, कोई काम बहुत बड़ा हो, जैसे गहने खरीदने हैं तो आप एक गहने खरीदने के लिए जाएंगे, है ना, कार खरीदना है तो केवल कार खरीदने के लिए जाएंगे, या तो उस काम की इतनी बड़ी वैल्यू हो तब वो सिंगल फॉर्म में एक प्रकार से फंक्शनल होता है। लेकिन छोटे जितने काम होते हैं वो एक पर्टिकुलर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके जैसे पार्लियामेंट जब हम पढ़ते हैं तो ये बड़ा काम हो गया, लेकिन जैसे ही हम सोचते हैं इसको कि इसके साथ और क्या होगा, तुरंत आप दिमाग में लाइए कि पार्लियामेंट के तीन हिस्से हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, एक राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति पढ़ लिए, लोकसभा राज्यसभा फिर क्या करता है। तो पहले पार्लियामेंट का काम ये पांच छह प्रकार में देखा, फिर हमने लोकसभा का देखा, फिर हमने राज्यसभा का देखा। अब एग्जाम में संसद का कार्य पूछा तो बता दिया, लोकसभा का कार्य पूछा तो बता दिया, राज्यसभा का कार्य पूछा तो बता दिया, अब पूछने दो उसको कार्य को। एक परिवार में एक घर का क्या काम है, फिर पर्टिकुलर मेंबर्स का क्या काम है, अब उसके बाद अगर पूछेगा बबलू का क्या काम है तो बबलू का काम बता दीजिए, बोले पूरे घर क्या काम करता है, घर का काम बता दीजिए। अब आपने संसद का काम याद रखा, मान लो लोकसभा के काम में कुछ भूल गए और लोकसभा का काम पूछ लिया, तो इसको कवर अप करके चलेंगे तो वहाँ पर जो आपका एग्जीक्यूशन होगा वो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब जो मेन समस्या आती है ना, जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो आती है काम जानना नहीं, अभी हम बताने जा रहे हैं आप जान जाएंगे, इसको बनाए रखना एग्जाम तक। तो जरा पहला लिखिए क्या बात है उसमें, लिखिए सबसे पहले लिखना है लेजिस्लेटिव वर्क ना, तो एक लाइन ये लिखिएगा, सबसे पहले तो आप यही जानते हैं संसद राष्ट्र का सर्वोच्च विधायी निकाय है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द नेशन, है ना,
एक शब्द आप ये दिमाग में रखकर चलिए कि संसद राष्ट्र का सर्वोच्च विधायी निकाय है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द नेशन। लिखिए, नीचे लिखिए, एक्सेप्ट मनी बिल, धन विधेयक को छोड़कर, एक्सेप्ट मनी बिल, धन विधेयक को छोड़कर, ऑल अदर बिल्स आर रिक्वायर्ड टू बी, ऑल अदर बिल्स आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बाई बोथ हाउस। धन विधेयक को छोड़कर अन्य सभी विधेयकों का संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होना आवश्यक, राइट? ठीक है, ऐसा होता बच्चा, सदन में बिल रखे जाते हैं जिसको बोलते हैं विधेयक। विधेयक के भी दो प्रकार होते हैं, सरकारी विधेयक भी होते हैं और निजी विधेयक भी होते हैं। निजी विधेयक वे होते हैं जो सरकार के बाहर के लोग रखते हैं, भले ही पार्टी विशेष के हों। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी का वो संसद जो सरकार में शामिल नहीं है, अगर वो कोई विधेयक लाता है तो वो निजी विधेयक हो जाएगा, और अगर कोई मंत्री लाता है तो सरकारी विधेयक हो जाएगा। तो कोई भी विधेयक जब रखा जाता है सदन में तो एक सदन दोनों सदन को पारित करना होता है, और वो जब दोनों सदन पारित कर देते हैं तब राष्ट्रपति की उसमें अनुमति लेनी होती है। जब राष्ट्रपति उसको अनुमोदित कर देंगे, अनुमति दे देंगे, तो वो विधेयक जो है अधिनियम का रूप ले लेता है। इसको बोलते हैं एक्ट। ये बिल होता है, फिर वो एक्ट का रूप ले लेगा, तो वह कानून है हमारे, अब वैसे ही काम होने लगेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट हमने क्या बोला, मनी बिल, यानी मनी बिल को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो विधेयक होते हैं दोनों सदनों में पारित होने आवश्यक होते हैं। आगे लिखिएगा, किसी विधेयक है ना को लेकर दोनों सदनों में मतभेद की स्थिति में, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द टू हाउसेस ऑन अ बिल, मतभेद की स्थिति में, ठीक है, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। द प्रेसिडेंट कैन कॉल अ ज्वाइंट सिटिंग। हाँ, समझ रहे हैं, ज्वाइंट सिटिंग बुलाता है। ये ज्वाइंट सिटिंग की चर्चा आप देखेंगे तो आर्टिकल 108 में मिलती है ना, ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा, 108 के तहत हो जाता है वो। तो ज्वाइंट सिटिंग से क्या होगा, मान लो कोई साधारण एक विधेयक, कोई विधेयक है उसको पारित करना है और पारित नहीं हुआ, मतभेद हो गया आपस में, तो राष्ट्रपति चाहें तो उस पर ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं, और अगर दोनों मिल के उसको पारित कर दिए, दोनों का वोट में पारित हो गया, तब भी वो विधेयक पारित मान लिया जाता है। आगे आप लिख लीजिए इसी लाइन को, लिखिए, अ बिल पास्ड इन अ ज्वाइंट सिटिंग इज डिमेड टू हैव बीन पास्ड, ज्वाइंट सिटिंग इज डिमेड टू हैव बीन पास्ड इन बोथ द हाउसेस। इसमें लिखिएगा, संयुक्त बैठक में पारित कोई विधेयक, क्यों चाह, एक राज्यसभा है, इसमें क्या करेंगे आप, इसके 543 मेंबर हैं, इसको 245 मेंबर है। राष्ट्रपति ने एक ज्वाइंट सिटिंग कर लिया, संयुक्त बैठक बुला लिया, और कह रहा है इसमें अगर पारित कर दिया तो पारित समझा जाएगा। कैसे पारित हो समझा जाएगा, कोई समझा सकता है इसको? जैसे माना इसमें से 543 में से 400 लोगों ने वोट दे दिया, प्रेजेंट है ना, यहाँ पर 200 लोगों ने दे दिया, तो कुल वोट कितने हो गए, 600 ना, 600 में अगर 301 वोट मिल गया उस बिल को,
तो बिल पारित मान लिया जाएगा। आया समझ? उपस्थित होने वाले और मत देने वाले दो तरह के होते हैं ना, मत गिनेंगे ना हम। तो अगर ये तो ज्वाइंट सेशन, अब देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो 543 में लोकसभा में 543 है, उस समय माना 400 लोग ही हैं, 400 लोगों में सपोज 250 लोगों ने कहा हम बिल का समर्थन नहीं करते और 150 लोगों ने कहा हम समर्थन करते हैं, तो लोकसभा में गिर गया ना। जनरली लोकसभा में नहीं गिरेगा, गिरेगा तो राज्यसभा में गिरता है, क्योंकि लोकसभा में तो सरकार होती ही है ना। तो इस एग्जांपल को अगर इस नज़र से देखें कि अगर राज्यसभा में 245 के मुकाबले, अगर 245 ही चलो ले लेते हैं है ना, तो इसको अगर आधा करोगे क्यों, तो कम से कम 123 वोट गवर्नमेंट के पास होना चाहिए तभी तो पारित होगा। और पता चला गवर्नमेंट के पास 90 वोट है, बाकी विरोधियों के पास इससे 133 वोट है। तो लोकसभा में कोई बिल पारित हो गया, राज्यसभा में गिर गया, गिर सकता है, गिर गया तो सर क्या हुआ, अगर संयुक्त सेटिंग होगी तो जैसे सपोज 400 में माना इनके पास कितना वोट था, 250 मान लिया, 250 वोट था गवर्नमेंट के पास अभी बताया ना, और यहां पर कितने हैं, क्यों 90 वोट, तो ये 90 वोट यहां जुड़ जाएंगे जब देंगे लोग, तो ये हो जाएगा कितना 340। तो ये जो वोट मिलाएंगे मान लो 400, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ गए कि नहीं, सीखा, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, जैसे 400 है और 245, तो ये हो जाएगा कितना 645। अब 645 में है ना जो 323 वोट होगा जिसका, उसकी सरकार बन जाएगी, वो मतलब बिल पास हो जाएगा, तो यहां तो गवर्नमेंट के पास हो गया ना 340 वोट मिला करके। अलग अलग पारित करने पर तो होता ही है, वही तरीके है, लेकिन अगर माना खुदा ना खास्ता एक मतभेद पैदा हो गया तो राष्ट्रपति एक ज्वाइंट सेशन बुलाकर, ज्वाइंट सिटिंग कह सकते हैं, संयुक्त बैठक बुला करके उसमें अगर पारित कर दिया लोगों ने तो वह बिल भी पारित हो गया। फिर उसमें यह नहीं देखा जाएगा कि इनका लोकसभा में कम है कि उनका राज्यसभा में ज़्यादा है, वो मिला करके जितने लोग वोट दिए उसमें से आधा प्लस वन, इसको ले टू पारित। ठीक है, क्लियर हो गए, आगे लिख लीजिए। सत्र बुला करके ये पारित कर सकते हैं, इसमें लिख लीजिएगा सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार, मेक लॉस ऑन ऑल सब्जेक्ट, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा भारत सरकार के क्षेत्राधिकार, जुडिशियल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जुडिशियल में जितना भी काम है ना उस पर कानून बनाने का अधिकार है। यह जानकारी कहाँ है बच्चा, सातवीं अनुसूची सुने हैं कि नहीं, सातवां शेड्यूल, जब सातवें शेड्यूल में जाएंगे तो उसमें क्लासिफिकेशन है वर्क का, ठीक, उसमें लिखा है संघ सूची, तो संघ सूची में काम करने का इनको पूरा मौका है। राज्य सूची मिलेगा, राज्य सूची पर भी राज्य का अधिकार है, उसका जुडिशियल है, और एक कॉन्क्रेंट मिलता है जो समवर्ती सूची बोलते हैं, समवर्ती पे दोनों का अधिकार है लेकिन विवाद की स्थिति में संघ की बात मानी जाएगी, ठीक। हालांकि राज्य सूची में भी कुछ संविधान की आगे बताएं कुछ परिस्थितियां हैं जिस पर राज्य सूची में भी वो कानून बना सकता है, ठीक है ना, कुछ कंडीशनल देखेंगे तो पार्लियामेंट राज्य सूची पे भी कानून बनाती है, संघ पे तो बना ही, संघ पे तो उसका अधिकार है ही, और समवर्ती पर भी राज्य संघ और केंद्र दोनों बनाते हैं, लेकिन कोई मामले में अगर कोई विवाद होता है तो उसमें संघ की ही बात मानी जाती है। तीन सूची हो गया बेटा, एक तो सेंट्रल का शेड्यूल हो गया जिसमें सेंट्रल का 97 वर्क है, अगर हम इसमें 97 काम दिए हुए, ठीक है, और राज्य में जाएंगे तो और समवर्ती में जाएंगे तो 52 काम मिलेंगे, ठीक है,
और राज्य में जाएंगे तो 62 काम मिलेंगे। पहले क्या था कि राज्य में 66 काम थे और समवर्ती में 47 काम थे, 4 काम इनका जोड़ दिया गया इसमें, ये घट गए, और एक काम इसमें बढ़ा दिया, इसलिए 47 से 52 हो गया और वो 97 वर्ग है। ठीक, तो इसमें क्या करेगी, संसद कानून बनाएगी। इसमें क्या बनाएगी, राज्य की जो विधायिका होती, विधानमंडल जो होता है, वो कानून बनाता है। इसमें संघ प्लस राज्य दोनों बनाते हैं। लेकिन अगर विवाद की स्थिति पैदा हो गई, माना कोई विवाद हो गया, तो संघ सर्वोपरि हो जाता है, यहाँ संघ की बात मानी जाएगी। और कई कंडीशंस ऐसे हैं जो हम बताएंगे, तो उसमें राज्य में भी संघ जो है सुपरसीड कानून बना सकता है। एक तो इमरजेंसी समझ लीजिए, राष्ट्रपति शासन उसे लगा हो, मान लिया, तो संघ ही तो बनाएगा ना कोई कानून, दो या अधिक राज्य कह दे, है ना। तो जो भी व्यवस्था है कंडीशनल, वो हम बताएंगे जब संघराज संबंध पढ़ेंगे, तब आपको बताएंगे। आर्टिकल 245 से जब पढ़ेंगे तब इसका जिक्र करेंगे। और अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संसद संघ के लिए, राज्य राज्यों राज्य के लिए, संघ और राज्य समवर्ती के लिए। समवर्ती सूची में अगर कोई विवाद है तो संघ की बात मानी जाएगी। अब विषय का बंटवारा है बाकायदा। तो संसद की सीमा में आप भले ही हम ना लिखाएं इस लाइन को, इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि समवर्ती सूची में उसकी चलती है, संघ सूची में उसकी चलती है, और कंडीशनल जो है राज्य सूची में भी उसी की चलती है। टकराव की स्थिति होगा तो संघ की बात मानी जाएगी। लाइन बदल के लिखिए, लिखिए पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन ऑल सब्जेक्ट फॉर यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूनियन टेरिटरीज। संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है, दैट्स ऑल। आप अब चारों चीज आपके सामने आ गया कि नहीं बच्चा, संघ भी आ गया है ना, राज्य भी आ गया, समवर्ती भी आ गया, कॉन्करेंट बोलते हैं अंग्रेजी में उसको, लिख लीजिए उसको, स्टेट का हो गया, वो यूनियन हो गया, और एक कॉन्करेंट हो गया, और दूसरा एक हमने यूनियन टेरिटरीज बता दिया। यूनियन टेरिटरीज तो यूनियन टेरिटरीज है ही, तो जितने भी 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उस पर सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होगा, संघ का होगा। ठीक है, आगे लिखें, इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी या एन इमरजेंसी पीरियड या इन इमरजेंसी पीरियड, आपात की स्थिति में, दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट एक्सटेंड्स टू ऑल सब्जेक्ट इन द स्टेट। अभी बताया था ना, ऑफ एन इमरजेंसी द पावर ऑफ पार्लियामेंट एक्सटेंड्स टू ऑल सब्जेक्ट्स। आपात की स्थिति में संसद की शक्ति का विस्तार राज्य सूची के सभी विषयों पर हो जाता है। ठीक है, राज्य सूची के विषय तक उसके हाथ पहुंच जाते हैं, तो राज्य सूची यहां पर आ जाता है। लिखें, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट, एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। एक और मैंने लेजिस्लेटिव वर्क बताया आपको, अगर राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया है, ऑर्डिनेंस की जानकारी, अब देखिए यहां पर हमने ऑर्डिनेंस की चर्चा की, हम लोग यहां खड़े होकर के बच्चा कौन सा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कहां से कहां तक का, क्यों चला पहले यार, बोले नहीं है कहां से कहां तक पढ़ेंगे, 79 से 123 तक, यानी सुप्रीम कोर्ट जहां से शुरू होगा 124 उसके पहले तक। राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी करता है, कहां लिखा है ये, किस आर्टिकल में है, 123 में। तो देखो 123 लास्ट है,
ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति जारी करता है 123 में, और अगर 123 मान लो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति ने जारी कर दिया तो ऑर्डिनेंस जो होता है एक परमानेंट कानून नहीं है, और इसको जो है आपको संसद से अप्रूवल लेना पड़ता है। हमारे यहाँ एक सदन एक सेशन से दूसरे सेशन में कम से कम, मतलब मैक्सिमम कह रहा हूँ, मैक्सिमम कितना गैप हो सकता है? हाँ क्यों सिखा, एक सेशन से दूसरे सेशन तक के बीच में बैठक सिटिंग में पार्लियामेंट में कितना गैप हो सकता है? 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि अगर राष्ट्रपति ने कोई ऑर्डिनेंस पास कर दिया तो उसकी मैक्सिमम अवधि कितनी होगी? 6 मंथ, क्योंकि अगला जो सेशन आएगा उसमें आपको उसको पारित करना ही होगा, और अगला सेशन लाएंगे ही क्योंकि वो कंपलसरी है, ठीक। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप कभी भी देखिएगा, जैसे बजट सत्र जब खत्म होता है और जब मानसून सेशन आएगा तो 3 महीने ही अंतर रह जाते हैं, 3-4 महीने मुश्किल से, और जैसे ही मानसून सत्र खत्म होता है दिसंबर में या लास्ट नवंबर आते आते फिर विंटर सेशन आता है तो वहां भी 3-4 महीने ही रह जाते हैं। यानी 3 साल भर में 3 सेशन का मतलब है ऑलमोस्ट 4 महीने से ज्यादा अंतर संभव नहीं है, उससे भी कम। हाँ मतलब इतना समझिए, क्योंकि सेशन का भी तो टाइम होता है ना, 4 + 3 = 12, 12 तो महीने ही हो गए, कम होते हैं क्योंकि बता है विंटर सेशन ही चल रहा है 20 दिन का, तो 20 दिन तो सेशन ही ले लिया। बाकी अभी जैसे माना 26 दिसंबर को 23 दिसंबर को 21 दिसंबर को विंटर सेशन खत्म हुआ, 1 फरवरी से फिर से आ गया वो बजट सेशन, बामुश्किल 1-1.5 महीना ही नहीं हुआ कि मैं आपको इस एग्जांपल से आपको इस ऑर्डिनेंस को समझाता हूँ। साल 2015 की बात है, साल 2015 में 23 दिसंबर को, जहाँ तक मुझे तारीख याद आ रही है, हाँ शायद 23 दिसंबर को, इस तारीख में मत जाइए, मतलब 23, 26, 25 अगर हो भी जाता है तो उसके कंसेप्ट पे जाइए, लेकिन मुझे याद आ रहा है 23 दिसंबर, 23 दिसंबर को विंटर सेशन खत्म हुआ। विंटर सेशन खत्म होते ही सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जारी किया, किसानों का जो भूमि अधिग्रहण अध्यादेश था उसको जारी किया, और अध्यादेश तो जारी हो गया। अध्यादेश वैसे ही कानून होते हैं जैसे कि पार्लियामेंट में कानून बनाए गए होते हैं, बिल्कुल उसी अधिनियम की तरह काम करते। लेकिन चूंकि अगला बजट सत्र आना था तो फिर अगले सत्र में उसको पारित नहीं करेंगे तो खत्म भी हो जाता है कानून। बजट सत्र में भूमि अधिग्रहण का जो अध्यादेश था वो पारित नहीं हुआ, और आप अध्यादेश सेशन के दौरान नहीं आप लाते हैं, सेशन बंद होने पर लाते हैं। तो अध्यादेश एक प्रकार से कोई शौक नहीं है, कोई अध्यादेश कोई मतलब एक मैंडेटरी कोई सिस्टम नहीं है, कोई विशेष कानून को आपको जरूरत पड़ गई, इसके भाव को समझिएगा, किसी विशेष कानून को आपको आवश्यकता है और सदन जो है सत्र में नहीं है, क्योंकि सत्र में है तो कानून बना लीजिए ना भाई। आप बजट सदन सत्र में हैं और आपको कानून का रात को सोए सवेरे उठे तो सरकार को लगा कि भाई ये कानून नहीं है हमारे पास, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो कपड़ा पहन के प्रेस करके जाइए पार्लियामेंट में, रख दीजिए कि साहब ये हम कानून बनाएंगे, वहां तो लोग इकट्ठे ही है ना। दिक्कत तब है जब सत्र नहीं चल रहा है और आपको कानून की जरूरत है तो कोई वहां कैसे इकट्ठा करोगे सबको 2 दिन में। तो इसके लिए एक मतलब सॉफ्ट कॉर्नर है कि अध्यादेश जारी किया जा सके, और वो है आर्टिकल 123 जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जिसका वही विधायी पावर है जो एक प्रकार से संसद के कानून का होता है। इसीलिए यह राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है, कौन? ऑर्डिनेंस। हाँ आर्टिकल 123 में कभी पूछ ले कि अध्यादेश किस प्रकार की शक्ति है तो यह कार्यकारी शक्ति नहीं है, यह विधायी शक्ति है, ठीक है। तो अब आपने पारित, उन्होंने क्या किया कि भूमि अधिग्रहण का जो अध्यादेश था बजट सत्र में पारित नहीं हुआ, कानून खत्म। गवर्नमेंट ने फिर अध्यादेश लाए, वो सत्र खत्म, अध्यादेश फिर लाए, विंटर सेशन में भी पारित नहीं हुआ।
अब जब आप बजट सत्र के बाद लाएंगे तो फिर विंटर सेशन है, सॉरी मानसून सेशन है, मानसून सेशन में भी पारित नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट जो है, मैं पहली बार ऐसा देखा कि कोई ऑर्डिनेंस पारित नहीं हुआ, है ना, कानून नहीं बन पाया, गवर्नमेंट जैसे ही सत्र खत्म हुआ फिर ऑर्डिनेंस ला दिया। आज तक आपको बता दें, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जो 2015 में सरकार की कोशिश थी, आज भी कानून नहीं है, बन ही नहीं पाया वो कानून। अब देखो जैसे एग्जांपल, तीन किसानों का जो कानून था जिसपे आपने देखे को बड़ा विवाद भी हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, तीन किसानों के कानून को आप कोरोना के काल में एक अध्यादेश के तौर पे लाया गया, पहले लाया गया अध्यादेश, सत्र नहीं था, सत्र खत्म, अध्यादेश लाते हैं, और उसको मानसून सत्र में कानून बना दिया गया। जून में लाए थे, जून में कोई सत्र नहीं था, जून में कोई सत्र होता भी नहीं, आपको अगर पता है तो, बजट सत्र भी मई वगैरह तक खत्म हो जाता है। जून में इन्होंने कानून ले आए, और चूंकि मानसून सत्र वही अगस्त सितंबर का, सितंबर में इसको कानून, मुझे अगर तारीख याद है तो 28-29 तारीख आप देख लीजिएगा, सितंबर का कानून का रूप ले लिया। जब इसको कानून बना दिया तब किसानों ने आंदोलन शुरू किया। आपने देखे होंगे पंजाब हरियाणा किसान धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो सभी सीमाओं पे दिल्ली के आने लगे थे, और ऑलमोस्ट देखेंगे अक्टूबर नवंबर आते आते, उसके बाद सितंबर में जस्ट अक्टूबर ही था, एक आंदोलन लोग इकट्ठा होने लगे, और वो जाड़े से शुरू हो गया था आंदोलन जो बाकायदा लंबा खींचा। ऑर्डिनेंस जब तक था तब तक तो सिर्फ चर्चा थी, भाई ऑर्डिनेंस नहीं पारित करो कानून खत्म हो जाएगा, लेकिन चूंकि सरकार की इच्छा शक्ति थी कि सब ये कानून हमको लाना है, तो उन्होंने उसको मानसून सत्र में अंजाम दे दिए। अब वो कानून बन गया, पास हो गया तो कानून, अगर गिर जाता तो फिर अध्यादेश तो एक ही सत्र मुश्किल से चलता है। तब सब लोग, जो किसान नहीं चाहता था, वो उसके विरोध में लामबंदी किया, और आप जानते हैं अखबारबाजी बहुत हुआ, बहुत मतलब बहुत अच्छा खासा लंबा चौड़ा और बहुत कष्टकारी आंदोलन था ये किसानों का, जिसमें सैकड़ों किसान, 700-800 किसान की मौत हो गई वहां पर, और तरह तरह के, एक प्रकार से कहा जाए तो जितना सरकारी तरीका हो सकता है उस आंदोलन को खत्म करने का, वो सारे हथकंडे भी अख्तियार किए गए। और आफ्टर ऑल आपने देखा होगा कई राउंड की बैठक हुई, मुझे याद है कि जनवरी लास्ट राउंड थी बैठक, जनवरी 2021 की बात करिए, है ना, हाँ 20 की बात थी, 21 में, हाँ, तो बैठक हुई लास्टली, तो उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, और 11 राउंड करीब करीब विज्ञान भवन में देखे होंगे सरकार के प्रतिनिधियों के साथ किसान प्रतिनिधि बैठक करते थे, और कुछ खास उसका हल नहीं निकला, इधर लोग तो सौदेबाजी नहीं हो पाई, बार्गेनिंग जिसको बोलते हैं, समझौता। और आफ्टर ऑल वो आंदोलन चलता रहा चलता रहा, और किसानों, एक साल चला आंदोलन, अगले साल खत्म हुआ, तब खत्म हुआ जब गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया। 2021 वही नवंबर आते आते दिसंबर जो भी टाइम था, गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के पीछे एक जो लोग समझते हैं, और है भी ये कि यूपी वगैरह के इलेक्शंस थे, वोट को कैसे मैनेज होगा, लोग नाराज हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश यहाँ वहाँ जैसे है ना, चाहे उत्तराखंड हो, सब तरह से कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कमजोर ना हो जाए वोट का, सरकार ने उसको हटा लिया था। तो वह अध्यादेश कानून बन गया, अब वो कानून अनवरत रहेगा जब तक गवर्नमेंट उसको खत्म ना करे। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश अध्यादेश था, कई कोशिश की गई, बार बार अध्यादेश लाया गया, बट उसको संसद में दोनों सदनों ने पारित नहीं किया, वो कानून नहीं बना। तो यह बहुत मतलब जो अध्यादेश है, पहले उसमें दो तीन कंडीशन समझिएगा। अध्यादेश राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है जो आर्टिकल 123 में लाया जाता है, और अध्यादेश जो है वो सदन जब सत्र में नहीं होता है तभी ला सकते हैं, और इसको अगले बैठक में, और या चूंकि जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम आप 6 महीने का ही अंतराल एक सिटिंग से दूसरे में कर सकते हैं, तो उतना ही इसकी आयु होती है, इस दरमियान आपको पारित कराना होता, नहीं तो ये खत्म हो जाता है। और अगर ये पारित हो जाता है तो ठीक वैसे ही कानून होते हैं,
मतलब कानून तो हो ही गया, अधिनियम बन गया, लेकिन अगर ये पारित नहीं है तो उस दरमियान भी ये अधिनियम की भांति ही काम करता है। एक प्रकार से यह कंडीशनल है कि अगर माना सत्र में सदन नहीं है और हमें विशेष कानून की कोई ज़रूरत है तो उस समय यह मंत्रिपरिषद कह सकती है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि आर्टिकल 74 के तहत मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति काम करते हैं, क्योंकि सरकार एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो सरकार को नीड होगी ना कि क्या काम करना है, तो सरकार तो कानूनों पे ही काम करती है ना भाई। सरकार कोई कानून नहीं तो फिर सरकार कैसे, संविधान पे ही सरकार काम करती है ना। और कोई भी कानून है, कोई मान लो जैसे आपने कह दिया कि एल्डरली जो, या जो ये आपका बच्चों का जो 18 साल के बालिग होते थे, बोले अब 16 साल में होंगे, तो अब 16 साल के बाद अगर कोई जुर्म करेगा तो उसको एज अ मैन इस्तेमाल होगा ना, एज अ व्यक्ति इस्तेमाल होगा ना। तो अब कानून है तो तभी होगा, कोर्ट हो, सरकार हो, सब दायरे में, सीमाओं में, कानून में काम करते हैं। इसलिए कोई अनलिमिटेड जो होता है वो उसके पास अधिकार नहीं होते, एक प्रकार से सीमित विवेकशीलता में ही काम होता है, जिसको बोलते हैं बॉन्डेड रेशनलिटी। संविधान का बैरियर है, कानून का बैरियर है। अब जैसे अध्यादेश आपने जारी कर दिए, कितनी भी बड़ी पावर की सरकार हो, अगले सत्र में, अगले सिटिंग में आपको पारित कराना ही पड़ेगा। आप सोचेंगे हाँ चलिए अगर नहीं पारित हुआ तो, जैसे मैंने भूमि अधिग्रहण का उदाहरण दिया और आपने फिर अध्यादेश ला दिए, फिर ला दिए, आप अध्यादेश से काम चलाना है चला लीजिए, लेकिन अध्यादेश जब आप सरकार चलाते हैं तो आप मजबूत कानून लाइए, अध्यादेश क्या क्या ला रहे हैं, क्यों भाई? ठीक है, समझ में आ गया है ये? पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चेंज करना नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे चेंज करेंगे? आप कोई कानून बनाए हैं तो सुप्रीम कोर्ट, मान ले कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो उसको आप नहीं चेंज करेंगे, आप कोई कानून बना दीजिए कि अगली बार वो फैसले न ले पाए ऐसा। हाँ बोलिए। हाँ किसको? सुब्रमण्य स्वामी ने कहा हाँ, नहीं सुनिए मेरी बात, पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं चेंज करेंगे, पार्लियामेंट में ऐसा कानून बना देंगे कि वो फैसला इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे और एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, आपने केशवानंद भारती का केस सुना होगा, बहुत बड़ा केस था 1973 का, है ना। इंदिरा गांधी उस समय गवर्नमेंट हुआ करती थी, ठीक। जैसे कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, है ना, तो डाल डाल मैं पात पात हमने कानून में कन्वर्ट कर दिया, कानून बना दिया कोई, तो अगली बार सुप्रीम कोर्ट भी कानून के दायरे में काम करती है। जैसे मेरा ये घर है, स्टेट गवर्नमेंट कहे कि मैं इसको म्यूजियम बनाऊंगा, तो आप विधानमंडल में कह दीजिए कि जो इलाका है वो म्यूजियम के लिए कानून बन गया है, अब हमको घर से बाहर निकाल दीजिए। अब गवर्नमेंट विधानमंडल ने अगर इसको कानून बना दिया कि म्यूजियम है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये डॉक्टर सुशील सर का घर है, तो सुशील सर का घर तब कहा था जब घर था, अब तो उसके बाद कानून बन गया कि ये पार्क है या ये है, तो ले ले सरकार, क्योंकि संसद को कानून बनाने की शक्ति है और उसी कानून के आधार पर कोर्ट को फैसला दिया जाता है, कोर्ट करती है फैसला, तो अब तो कानून ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब तक लागू था जब तक कानून नहीं था, कानून आ गया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहीं रुक गया। केंद्र शासित के लिए कानून अध्यादेश समाप्त हो जाता है, अध्यादेश वाला मामला समझ गए, इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं है, लिखा दिया हूं क्या? हाँ समझ गए ना, कुछ चीजें तो समझ ही गए हैं। इसके अलावा बच्चा क्या करता है, एक हेडिंग बनाइएगा, हेडिंग क्या उसी में लिखिए, थोड़ा सा राज्य सूची के विषय पर लिखिएगा, राज्य सूची के विषय पर, है ना, लॉस ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। जैसे नंबर वन, इफ द लेजिस्लेचर ऑफ वन आर मोर स्टेट्स, जो मैंने बताया कि एक या अधिक राज्य, इफ द लेजिस्लेचर ऑफ वन आर मोर स्टेट्स,
by passing a resolution, asks, कहें, यदि एक या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके द पार्लियामेंट टू मेक लॉज द पार्लियामेंट मेक द पार्लियामेंट टू मेक लॉज विथ रेस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, इसमें लिखो बेटा कि एक या अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के विषय में कानून बनाने को कहें। इसको आज इसको ना ये जो पढ़ रहे हैं ना इसको अपने मानस पटल पे छाप लीजिए, जिंदगी भर मत भूलिए। इसमें कुछ है क्यों महक? इसमें कोई ऐसी चीज है कि जिसमें कि सुगंध नहीं आ रही है? कोई भाई आपने देखा कि संघ सूची पे कानून बना सकता है, समवर्ती सूची पे अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो उसी की बात सुनी जाएगी, अध्यादेश जारी करता है, अध्यादेश को अगर पारित नहीं किया गया तो कानून खत्म, नहीं पारित कर दिए वो भी कानून हो जाता है। आपने देखा कि राज्य सूची के विषय पे कानून तब बना सकता है एक या अधिक राज्य एक प्रकार से विधानमंडल में रेजुलेशन पास करा करके कह दें कि साहब ये कानून बना दीजिए, बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में दूसरा लिखें, द राज्यसभा शुड पास रेजुलेशन। अब राज्यसभा, राज्यसभा किसकी सभा होती है? हाँ चला, स्टेट से ही लोग आते हैं, तो एक प्रकार से जो पीपल असेंबली है वो है लोकसभा, वो लोगों के प्रतिनिधित्व करती है, और जो स्टेट असेंबली है वो है राज्यसभा, उसका नाम ही है राज्यसभा, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। ठीक, तो एक लाइन इसमें लिखना है बच्चा, राज्यसभा दो तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे, द राज्यसभा शुड पास अ रेगुलेशन बाई टू थर्ड मेजोरिटी दैट इन द नेशनल इंटरेस्ट, कि राष्ट्रीय हित में, कि राष्ट्रीय हित में संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना चाहिए। The Parliament should legislate on any subject in the state list. ठीक है, तो इस सब से आपको क्या पता चला बच्चा? लास्ट में आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, लिख लीजिए, संसद सर्वोच्च संस्था है, है ना? किस रूप में बच्चा? मेक लॉ मतलब कानून बनाने के मामले में यह एक सर्वोच्च संस्था है। इतनी ही चीज आपको इसमें समझनी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आइए, दूसरे वाले में लिखिए, संविधान संशोधन की शक्ति, आपको यह जान करके होगा कि संविधान संशोधन की जो शक्ति है ना बच्चा, वो पार्लियामेंट को मिली हुई है, विधानमंडल को नहीं। तो संविधान संशोधन करने की पावर है संसद को, ठीक है ना? ठीक, लिखिएगा, ऑल बिल टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान संशोधन संबंधी सभी विधेयक, ऑल कर लीजिए या बिल, अबिल चलो सर ठीक है, सभी विधेयक, कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द पार्लियामेंट, संविधान संशोधन के सभी विधेयक संसद में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं। नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर, इसलिए लिखा दे रहे हैं कोई कंफ्यूजन ना रहे, राज्यों के विधानमंडल में नहीं,
आपको पता होगा बच्चा कि हम लोग जो है तीन तरीके के कोई विधेयक तीन तरीके से आते हैं हमारे पास। पहला किस तरीके में आता है? साधारण के रूप में, है ना। पहला किस में आएगा? साधारण। साधारण के केस में क्या होता है? मत देने वाले जो लोग हैं, यानी कि जो संख्या है वो आधे से ज्यादा हो, ठीक, यानी हाफ प्लस वन हो। दैट्स क्यों क्लियर? तुम लोग थोड़ा सा फीडबैक दिया करो ना जरा सा, जैसे वो कहता ना कि बस आपकी ताली चाहिए। इस पे शायर का कहता है कि आपके अगर मजा आए तो आप ताली बजा देना, और तालियां कम बज रही इस तरफ वो मतलब देखे होंगे, वो असल में क्या है ना कि वो ताली सवाल ताली का नहीं है, सवाल उस जुगलबंदी का है कि आप इधर रहिए, मतलब ध्यान में रहिए, मतलब ठीक। तो हाफ प्लस वन हो गया, ये साधारण है। विशेष है ना, विशेष की स्थिति क्या होती है? चला कोई बताएगा? विशेष में क्या होगा? टू थर्ड होगा, है ना। टू थर्ड, टू थर्ड का मतलब अगर कोई माना 100 लोग हैं तो इसमें 67 टू थर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये टू थर्ड मेजोरिटी हो गई। अब एक आएगा विशेष बहुमत के साथ राज्यों का अनुमोदन, आधे राज्यों का अनुमोदन। इस समय स्टेट कितने हैं? 28। एक ऐसा बिल है जिसमें संसद का अप्रूवल है, अनुमोद संसद ने तो कह दिया, आधे राज्य भी, 14 राज्य भी उसका अनुमोदन करे, 14 राज्य, आधे से अधिक राज्य नहीं, शब्द को गौर करना, आधे राज्य न कि आधे से अधिक राज्य, ये शब्द फंसा देता है वहां पे। अगर एग्जाम में मान लो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं और लिख दिया आधे राज्यों का समर्थन, अनुसमर्थन ऐसा वर्ड बोल दिया, अप्रूवल जो भी ऐसे, और वहीं पे सिली से मिस्टेक कर दिया, सी कर दिया, बी में ये लिखा, सी में आधे से अधिक राज्यों का समर्थन, आपको आधे से अधिक राज्य अगर आपने जरा सा कंफ्यूजन है तो अट्रैक्ट करेगा, हमेशा अट्रैक्ट करेगा, लगेगा यहां भी मेजॉरिटी आधे से ज्यादा, आधे राज्य। तीसरी कंडीशन होती है आधे राज्य का समर्थन। तो एक हो गया आधा बहुमत प्लस वन, एक हो गया दो तिहाई, और तीसरा हो गया दो तिहाई बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन। इसमें दो तिहाई बहुमत है, समझ गए ना, दो तिहाई बहुमत के साथ आधे राज्यों का समर्थन। लिखिएगा, द पावर ऑफ पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड, वेस्टेड VESTED, वेस्टेड इन द पार्लियामेंट एक्सेप्ट दोज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट दोज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच रिक्वायर्ड टू रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन ऑफ एट लिस्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, संविधान के उन अनुच्छेदों जिनमें संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों की विधान मंडलों का अनुसमर्थन आवश्यक है। समर्थन लिख लीजिए, अनुसमर्थन में दिक्कत हो तो, अनुसमर्थन आवश्यक है को छोड़कर, को छोड़कर संविधान में संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। अंकित क्लियर हुआ बच्चा? ये वाला पावर तो स्टेट के पास चला गया ना, एक कंडीशन चला गया स्टेट के पास ना,
पंचायती राज व्यवस्था किस तरह का संशोधन था? पंचायती राज बच्चा संशोधन इसी प्रकार का था, क्या दो तिहाई बहुमत से साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन, ठीक है ना, ये पंचायती, तब जाकर के ये 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ था। लिखा है उसको, देखिए दो तिहाई बहुमत वाला रट लीजिए और किसमें राज्यों का अनुसमर्थन चाहिए वाला रट लीजिए, बाकी सब साधारण बहुमत से, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है, ठीक है ना। 5/6 हुआ है इसमें, राज्यों वाला रट लीजिए, विशेष बहुमत वाला रट लीजिए,